नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त गोदावरी। चित्रकूट धाम जो अंदर गुफाओं में बसी हुई माँ गोदावरी, माँ पार्वती, भोलेनाथ, शिव शंकर, आप देख सकते हैं उनके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं ड्राइव करते हुए। सामने हमारे सामने ये प्रतिमाएं दिख रही हैं, जो तो काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग गुफा के अंदर, ये चट्टानें दिख रही हैं, चट्टानों के अंदर फोड़ कर ये बनाया गया है, ये जो गुफा के अंदर का दृश्य है ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे, ये बजरंगबली हैं, बजरंगबली के दरबार पे आते हुए आप धीरे धीरे अंदर गुफा के अंदर तक जा रहे हैं। कहीं कहीं लाइट है, कहीं कहीं अंधेरा भी है। और यहाँ देख सकते हैं आप गुप्त गोदावरी का उद्गम धनुषकुंड, आगे सीता कुंड यहाँ से है। ये आप सामने देख सकते हैं सीता कुंड है हमारे, जहाँ पे मैं, यहाँ पे काफ़ी सारा पानी भी भरा हुआ है, देख सकते हैं एक कुंड बना है, जो ये सीता कुंड है, बोल सीता कुंड है। ये 10 रुपए का अम्मा ने दान दिया, ये हमें भैया ने भी 10 रुपए का दान दिया। मैं देख सकता हूँ ये तो सामने लिखा है श्री गंगा गुप्त गोदावरी सीता कुंड, ये 10 रुपया में भैया का भी दान दिया। हमारे सामने आते जा बेटा, सब लोग पहले घर आते जाओ। पंडित जी जो सीता कुंड है, सीता जी स्नान किया था, क्या नाम? उपेंद्र। 10 रुपए दान उपेंद्र भैया का भी, नारियल धूप आरती का भोग के लिए। सीता जी ने यहाँ पे पहले टीका लगाओ फिर जल पियो बेटी, इधर से आते जाएं। हाँ तो बताया है कि जो गुप्त गोदावरी में क्या सीता जी हैं, माँ सीता, उन्होंने यहाँ पे स्नान किए थे, तो इसे कुंड का नाम सीता कुंड रखा गया है। हाँ यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं हमको, मैं भी स्नान करता हूँ, मैंने भी स्नान किए। और अब हम चलते हैं गुप्त गोदावरी कुंड की तरफ। ये शंकर जी हैं, यहाँ से एक सीढ़ियों जाते हुए धीरे धीरे अंदर गुफा के जाते हुए सीढ़ियाँ हैं, ये चट्टानें देख रहे हैं आप, चट्टानें हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया स्थान है, यहाँ पे ये बजरंगबली हैं, प्रणाम करता हूँ उनको। कपड़ा चुराया थे, देख सकते हैं चट्टानों के अंदर एक चट्टान चिगरी हुई है टापू टाइप की। अब हम लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चट्टान है काफ़ी खतरनाक चट्टान है। मेरे फ्रेंड्स लोग साथ में आए हुए हैं, अब हम चलते हैं का मजा लेते हुए। और यहाँ पर लोगों के लिए पंखे की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था की गई है। हमारे आप देख सकते हैं काफ़ी पसीना आ रहा है, भीग गया था बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं चट्टान देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। आप पहली बार आए हो यहाँ पे? इसके बाद धनुषकुंड, धनुषकुंड के लिए बढ़ रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं सामने धनुषकुंड, धीरे धीरे यहाँ भी काफ़ी सारी क्यू कतार लगी हुई है, यहाँ पे लोग बारी बारी से जा रहे हैं। और ये हम धनुषकुंड की तरफ बढ़ते हुए दर्शन के लिए, धनुषकुंड जी, पहले मैं दर्शन कर लूं, उसके बाद
इसके बारे में जानकारी लेता हूँ। धनुषकुंड पंडित जी बता सकते हैं, धनुषकुंड है जो गंगा गोदावरी का उद्गम स्थल है। अच्छा, गंगा गोदावरी का उद्गम स्थल धनुषकुंड से हुआ था। यही तो गोदावरी माता निकल के वहाँ से जाती है। अच्छा, वहाँ से जाती है। पंडित जी ने बताया कि जो गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है वो धनुषकुंड से होते हुए आगे की तरफ जाता है। अब हम फिर से वहीं से लौटते हुए वापस धीरे धीरे जा रहे हैं।